बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूँ NTR की फिल्म देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है। कहाँ पे रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है, स्टोरी किस तरह की होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो, वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट वन और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट वन जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़ NTR की, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया NTR ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जॉनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने, ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, या और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ
पर कोतिला सेवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर आज के मिकलिनी और यहाँ पर कोस राजू हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने। उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज़ ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहां पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहां पर इस फिल्म को ज्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर ये फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ चुके यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअल रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है। और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मदर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं। मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह के टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं। उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो पासुरु का रोल प्ले किया हुआ, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह है जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं
हिमा जावली का रोल प्ले किया, और इसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वरास की फ्रेंड का रोल प्ले किया, और निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। प्रेंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पदमा का रोल प्ले करते दिखाई दिए। सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया। लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं, अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इसी चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की शुरू में बात करने जा रहा हूँ NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में। जी हाँ, सो देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना, ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे, जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ, जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट 1, और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ, देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़ NTR की, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया NTR ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है, या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है, और फिल्म को डायरेक्ट किया है
कौरतिला शिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला शिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो ना है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला शिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यूड फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोना की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला शिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर जो कि मिकलिनी और यहाँ पर कोस राजू हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था, जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के हिंदी वर्जन को भी और बाकी वर्जन को भी मिला के उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67-60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60-55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी, बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफ़ी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफ़ी डाउन हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ जो कि यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है, और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगापा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो परसु पासुरु का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इसके अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरितेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश जो कि यहाँ पर नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो कि हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूं NTR की फिल्म देवरा Part 1 मूवी के बारे में। जी हां, सो देवरा Part 1 जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा Part 1 और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा Part 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा Part 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़, NTR की जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़
हुई है, इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया एनटीआर ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर ट्रिपल आर मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहां पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, उसके अलावा यहां पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज हुई थी यहां पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहां पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहां पर हम बात करें इस फिल्म के एनटीआर की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनरा है एक्शन थ्रिलर, जहां पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्या जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं एनटीआर के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनरा की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने, ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर एनटीआर रामा राव यानी एनटीआर जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवा रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, या और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनरा की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला सिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर जो कि मिकलिनी और यहाँ पर कोस राजू हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर एनटीआर के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छी कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो
चुके हैं सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज़ में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इसल ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसल ने 110 करोड़ के आसपास 11 करोड़ के आसपास इसल ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सब को मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पर इसल को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी। सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफ़ी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफ़ी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ चुके यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअल रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा, एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है। और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोमचोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह के टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो पासुरू का रोल प्ले किया हुआ, चैत्रा राज है जो इसम के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह है जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पदमा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं, अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 to 5 weeks के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें।
बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूँ एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है, स्टोरी किस तरह की होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट वन और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है। जी हाँ, सो एनटीआर यानी यंग टाइगर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़, एनटीआर की जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है, इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया एनटीआर ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज हुई थी यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के एनटीआर की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं एनटीआर के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनरा की फिल्म है जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, उसके बाद यहाँ पर जो कि जाह्नवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है जैसे अजय हैं, और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो ना है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने, ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर एनटीआर रामा राव यानी एनटीआर जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जाह्नवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जाह्नवी कपूर की ये डेब्यूड फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनरा की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ
जहाँ पर कोतरला सेवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं सुधाकर आज के मिकलिनी और यहाँ पर कोश राजू, हरि कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने। उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला कि ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पांस वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के पास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहां पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहां पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ चुके यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिए, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगापा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है जो कोरा के ब्रादर हैं, मुराली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो परसु पासुरु का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरि तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं
हिमा जावली का रोल प्ले किया, और इसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वरास की फ्रेंड का रोल प्ले किया, और निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश जो कि यहाँ पर नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए। सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया। लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं, अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की शुरू में बात करने जा रहा हूं NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में। जी हां, सो देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो, वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ, जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट 1, और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ, देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़ NTR की, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया NTR ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है, या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है
कौरतिला शिवा ने। जी हाँ दोस्तों, कौरतिला शिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्या जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला शिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, या और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला शिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर जो कि मिकलिनी और यहाँ पर कोस राजू हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने। उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म की जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67-60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला कि ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60-55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 304 करोड़ के आसपास पास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर ये फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ जो कि यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है, और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो परसु पासुरु का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इसके अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप सिन्हू हैं जो कि मिथा सिन्हू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमाजा वल्ली का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना यहाँ पर बराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इसी चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूं NTR की फिल्म देवरा Part 1 मुई के बारे में। जी हां, सो देवरा Part 1 जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा Part 1 और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा Part 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है। जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा Part 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़। NTR की जो पैन इंडिया लेवल पर
रिलीज़ हुई है, इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहाँ पर इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया एनटीआर ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जॉनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट 1 फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जाह्नवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट 1 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो ना है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने, ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवा रोल में देखने को मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जाह्नवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जाह्नवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला सिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर जो कि मिकलिनी और यहाँ पर कोश राजू हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने श्रीकर प्रसाद ने, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज़ करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज़ ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज़ से जो
चुके हैं, सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सब को मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी। सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये अभी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ चुके यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा, एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है। और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं। मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं। उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो पासुरु का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश, जो कि यहाँ पर नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं, अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 to 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें।
बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूँ NTR की फिल्म देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है। कहाँ पे रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट वन और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट वन जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है। जहाँ पे इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़ NTR की, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया NTR ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्या जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है जैसे अजय हैं, और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है और फिल्म का जो ना है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के
आगे डिटेल्स के साथ यहाँ पर कोतिला से वाले फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं सुधाकर आज के मिकलिनी और यहाँ पर कोश राजू, हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने। उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वरियन को भी और बाकी वरियन को भी मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67-60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला कि ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60-55% का ड्रॉप दिखाया और यहाँ पर फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर ये फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर ये बता दूँ जो कि यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा, एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है। और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोमचोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो पासुरू का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप सिन्हू हैं जो कि मिथा सिन्हू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरितेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं
हेमा जावली का रोल प्ले किया, और उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वरास की फ्रेंड का रोल प्ले किया, और निहाल जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया, अप्रेंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं, अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहाँ पर नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के खरीदे हुए थे जहाँ पर इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक द अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की शुरू में बात करने जा रहा हूँ NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में। जी हाँ, सो देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना, ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ, जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट 1, और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ, देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़ NTR की, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया NTR ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है, या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जॉनर है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है, और इस फिल्म को डायरेक्ट
किया है कौरतिला शिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला शिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं, और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला शिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, या और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यूड फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला शिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है, और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर जो कि मिकलिनी, और यहाँ पर कोश राजू, हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने। उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी R. रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज़ करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज़ ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफ़ी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफ़ी डाउन हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ चुके यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है, और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो परसु पासुरु का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यू सिंह है जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ, उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश जो कि यहाँ पर नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो कि हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूं NTR की फिल्म देवरा Part 1 मूवी के बारे में। जी हां, सो देवरा Part 1 जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा Part 1 और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा Part 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है। जहाँ पे इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा Part 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़। NTR की जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़
हुई है, इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है। जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया एनटीआर ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर ट्रिपल आर मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के एनटीआर की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जॉनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्या जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं एनटीआर के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनरा की फिल्म है, जिसमें हमें देखने लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो ना है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। ज्वाइंट प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर एनटीआर रामा राव यानी एनटीआर जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला सिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं सुधाकर जो कि मिकलिनी, और यहाँ पर कोस राजू, हरि कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर एनटीआर के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, आर श्रीकर प्रसाद ने, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था, जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो
चुके हैं सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और बाकी वर्जन को भी मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज़ में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज़ से इसलिए कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसलिए 110 करोड़ के आसपास 11 करोड़ के आसपास इसलिए कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी। सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के पास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफ़ी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफ़ी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ चुके यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा, एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है। और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोमचोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुराली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो पासुरू का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप सिनू हैं जो कि मिथा सिनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरितेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 to 5 weeks के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें।
बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूँ NTR की फिल्म देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो, वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट वन और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट वन जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़ NTR की, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया NTR ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनर है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जाह्नवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया हुआ लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जाह्नवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जाह्नवी कपूर की ये डेब्यूड फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ
पर कोतिला सेवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर आज के मिकलिनी और यहाँ पर कोश राजू, हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने। उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज़ करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज़ करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज़ ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफ़ी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफ़ी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफ़ी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ जो कि यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा, एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है। और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मदर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं। मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद पर सुधीव नैयर हैं। उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो पासुरु का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनु हैं जो कि मिथा श्रीनु का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं
हिमा जावली का रोल प्ले किया, और इसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर बरास की फ्रेंड का रोल प्ले किया, और निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। प्रेंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पदमा का रोल प्ले करते दिखाई दिए। सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया। लता विश्वनाथ रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं, अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की शुरू में बात करने जा रहा हूं NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में। जी हां, सो देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ, जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट 1, और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ, देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़, NTR की जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है, इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया NTR ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है, या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है, और फिल्म को डायरेक्ट किया
किया है कौरतिला शिवा ने। जी हाँ सो, कौरतिला शिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्स पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्स पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है, जिसमें हमें देखने लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं, और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो ना है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला शिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला शिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है, और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं सुधाकर जो कि मिकलिनी, और यहाँ पर कोस राजू, हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्स पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था, जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और बाकी वर्जन को भी मिला के, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी। सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के पास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ जो कि यहाँ पर एन टी आर रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है, और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोमचोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो परसु पासुरू का रोल प्ले किया हुआ, चैत्रा राज है जो इसके अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो डी एस पी तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप सिनू हैं जो कि मिथा सिनू का रोल प्ले किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हरितेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है, उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ, उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया, उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश जो कि यहाँ पर नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो कि हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर, तो देखते हैं अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो, तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूं NTR की फिल्म देवरा Part 1 मूवी के बारे में। जी हां, सो देवरा Part 1 जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा Part 1 और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा Part 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा Part 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़, NTR की जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़
हुई है, इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया एनटीआर ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर ट्रिपल आर मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के एनटीआर की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जॉनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं एनटीआर के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनरा की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर एनटीआर रामा राव यानी एनटीआर जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, या और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनरा की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला सिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर जो कि मिकलिनी और यहाँ पर कोस राजू हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर एनटीआर के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज़ ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छी कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज़ से जो
चुके हैं, सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज़ में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सब को मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी। सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये अभी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर ये फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने इस शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ जो कि यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा, एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है। और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मदर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं। मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह के टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं। उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो पासुरु का रोल प्ले किया हुआ है, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पदमा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया हुआ, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं, अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 to 5 weeks के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें।
बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूँ एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में। जी हाँ, सो देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज़ करवा दी गई है। कहाँ पे रिलीज़ हुई है, ये फिल्म कैसी है, स्टोरी किस तरह की होने वाली है और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इंजॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट वन और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है। जी हाँ, सो एनटीआर यानी यंग टाइगर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट वन जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है। जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा पार्ट वन जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़, एनटीआर की जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है, इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला है। जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया एनटीआर ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज़ हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के एनटीआर की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्या जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिज़ास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं एनटीआर के साथ जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनरा की फिल्म है जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, उसके बाद यहाँ पर जो कि जानवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है जैसे अजय हैं, और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है और फिल्म का जो ना है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर एनटीआर रामा राव यानी एनटीआर जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जानवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जानवी कपूर की ये डेब्यूड फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनरा की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ
यहाँ पर कोतरला सेवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं सुधाकर आज के मिकलिनी और यहाँ पर कोस राजू, हरि कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने। उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास 11 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के पास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहां पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहां पर इस फिल्म को ज्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ चुके यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा, एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है। और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिए, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगापा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुराली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो परसु पासुरु का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरितेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं
हिमा जावली का रोल प्ले किया, और इसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वरास की फ्रेंड का रोल प्ले किया, और निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश जो कि यहाँ पर नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए। सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया। लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं, अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी जो कि इसको जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के खरीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में। जी हां, सो देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो, वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ, जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट 1, और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोना की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है। जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ, देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़ NTR की, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया NTR ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है, या फिर RRR मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहां पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके अलावा यहां पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज हुई थी, यहां पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहां पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहां पर हम बात करें इस फिल्म के NTR की फिल्म यानी देवरा पार्ट 1 मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जोनरा है एक्शन थ्रिलर, जहां पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया
किया है कौरतिला शिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला शिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं NTR के साथ, जो कि वो भी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर NTR, उसके बाद यहाँ पर जो कि जाह्नवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला शिवा ने। ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर NTR रामा राव यानी NTR जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जाह्नवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जाह्नवी कपूर की ये डेब्यू फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनर की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला शिवा ने फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर जो कि मिकलिनी और यहाँ पर कोस राजू हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर NTR के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर NTR आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स्ड वगैरह रिव्यूज ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छी कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो कि सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास 11 करोड़ के आसपास फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला के सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहां पे इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहां पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी, सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के आसपास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहाँ पर इस फिल्म को ज़्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है।
उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ चुके इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ चुके यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है, और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगाप्पा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुरली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह के टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो परसु पासुरु का रोल प्ले किया हुआ है, चैत्रा राज है जो इसके अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनु हैं जो कि मिथा श्रीनु का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 से 5 वीक्स के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। बैक दी अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की शुरू में बात करने जा रहा हूं NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 मुई के बारे में। जी हां, सो देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना ऑफिशियली रिलीज करवा दी गई है। कहाँ पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म, कैसी है स्टोरी, किस तरह की होने वाली है, और आप दोस्त इस फिल्म को कहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में वो भी फ्रीली और कैसे वॉच कर सकते हो, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही इस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, और साथ ही आप दोस्त इस फिल्म को कैसे वॉच करोगे और कहाँ पर देख सकते हो वो भी फ्री और इन्जॉय कर सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर, वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में इन जो कि डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मूवी के फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस फिल्म के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया हुआ तो लाइक कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप दोस्त बेल नोटिफिकेशन को जो कि ऑन नहीं करोगे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म है ना जिसका नाम है देवरा पार्ट 1, और ये 2024 में रिलीज़ की गई एक एक्शन थ्रिलर जोनर की फिल्म है। जी हाँ, सो NTR यानी यंग टाइगर NTR की फिल्म देवरा पार्ट 1 जो कि ऑफिशियली थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हो चुकी है, जहाँ पे इस फिल्म को कहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो आगे थोड़ा सा बताऊँगा। उससे पहले बता दूँ देवरा पार्ट 1 जो फिल्म है ना, इससे पहले जो कि RRR मूवी के बाद यहाँ पर जो कि पहली फिल्म हो चुकी है रिलीज़ NTR की, जो पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़
हुई है, इस फिल्म को कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसकी बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पांस मिला, जो कि इस फिल्म ने बहुत ही कमाल का जो कि ओपनिंग भी ली हुई थी फर्स्ट डे के अंदर, जहां पे इस फिल्म ने 172 करोड़ की ओपनिंग ली थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की और एक माइंड ब्लोइंग ओपनिंग ली हुई थी इस फिल्म ने। जी हाँ, सो देखा जाए तो अपने आप ही एक बहुत ही बड़ा जो कि रिकॉर्ड बना दिया एनटीआर ने जो कि अपने करियर में, और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। और प्रभास की फिल्म आई थी जो कि आपने कल की 2898 फिल्म देखी होगी, जिसने 192 करोड़ का ओपनिंग ली थी, तो उस फिल्म के जो कि लगभग देखा जाए तो वही फिल्म जो कि बच चुकी है या फिर ट्रिपल आर मूवी बची हुई है और बाकी सारी की सारी मूवीज़ जो कि पीछे रह चुकी हैं। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो किंग शाहरुख खान की फिल्म जवान का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, उसके अलावा यहाँ पर प्रभास की पिछली फिल्में जैसे रिलीज हुई थी, यहाँ पर जो कि राधे श्याम थी, उसके बाद यहाँ पर उनकी साहू फिल्म आई थी, उसके अलावा यहीं पे आदि पुरुष आई थी, उन सभी मूवीज़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था इस फिल्म ने। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के एनटीआर की फिल्म यानी देवरा पार्ट वन मूवी के बारे में, तो इस फिल्म का जॉनरा है एक्शन थ्रिलर, जहाँ पर इस फिल्म को बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला हुआ है और फिल्म को डायरेक्ट किया कौरतिला सिवा ने। जी हाँ, सो कौरतिला सिवा वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले आचार्य जैसी जो कि फिल्में बना चुके हैं, जो बॉक्सेस पर एक बहुत ही बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। उससे पहले उनकी पिछली जो भी फिल्में आई थी ज़्यादातर वो हिट ही गई थी, और इससे पहले जनता के राज जैसी सुपर हिट फिल्म भी बना चुके हैं एनटीआर के साथ, जो कि वो भी बॉक्सेस पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ जो देवरा पार्ट वन फिल्म है ना, ये एक जो कि एक्शन थ्रिलर जोनरा की फिल्म है, जिसमें हमें दो के लीड कास्ट में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर सैफ अली खान, साथ में जो कि यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, उसके बाद यहाँ पर जो कि जाह्नवी कपूर देखने को मिलती हैं, उसके अलावा यहाँ पर प्रकाश राज हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो और भी काफ़ी सारी कास्ट है, जैसे अजय हैं और भी काफ़ी सारी कास्ट है जो सपोर्टिंग रोल्स में देखने को मिलती है इस फिल्म के अंदर। और यहाँ पर बता दूँ जो ये फिल्म होने वाली है देवरा पार्ट वन 2024 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म है, और फिल्म का जो ना है एक्शन ड्रामा थ्रिलर राइट और डायरेक्ट किया है कौरतिला सिवा ने, ज्वाइंटली प्रोड्यूस जो इस फिल्म को कर रहे थे वो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ है। और यहाँ पर जो कि जैसे मैंने आपको बताया लीड रोल में देखने को मिलते हैं यहाँ पर एनटीआर रामा राव यानी एनटीआर जूनियर इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो कि डोवर रोल में देखने को मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पर सैफ अली खान भी हैं जो इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं, जाह्नवी कपूर है, उसके अलावा श्रुति मराठे है, और यहाँ पर जो कि इन दोनों की पहली जो कि डेब्यू फिल्म थी, जैसे मैंने पिछली वीडियोस वगैरह में आपको बताया हुआ था ना, इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो कि सैफ अली खान और यहाँ पर श्रुति जो कि यहाँ पर जाह्नवी कपूर की ये डेब्यूड फिल्म थी जो यहाँ पर उन्होंने जो कि बनाई हुई थी तेलुगु लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ पर उनकी दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिलर जोनरा की ही फिल्म है जैसे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें जो कि इस फिल्म के आगे डिटेल्स के साथ, यहाँ पर कौरतिला सिवा ने इस फिल्म को स्टोरी को लिखा था, राइट भी किया है और साथ ही डायरेक्ट भी इस फिल्म को किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह सुधाकर जो कि मिकलिनी और यहाँ पर कोस राजू हरी कृष्णा, उसके बाद नंदमोरी कल्याण राम हैं जो यहाँ पर एनटीआर के भाई हैं, वो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह हैं जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर पैसा वगैरह लगाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्रन ने इस फिल्म को म्यूज़िक वगैरह दिया हुआ था, और फिल्म का एडिटिंग वगैरह की हुई थी श्रीकर ने, श्रीकर प्रसाद ने, उसके बाद सिनेमाटोग्राफी की हुई थी आर रत्नालू ने। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन कंपनी वगैरह की बात करें तो युवा सुधा आर्ट्स और यहाँ पर एनटीआर आर्ट्स के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस वगैरह किया हुआ था। इस फिल्म को जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कर रही थी वो सी बिलो थी, हिंदी के अंदर धर्मा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। उसके बाद इस फिल्म को फाइनली रिलीज़ करवाया गया 27 सितंबर 2024 में, और यहाँ पर 178 मिनट के रनिंग टाइम के साथ रिलीज करवाया गया, यानी 2 घंटे 58 मिनट की ये फिल्म थी। और उसके बाद यहाँ पर इस फिल्म को जब रिलीज करवाया गया तो थिएटर्स के अंदर इस फिल्म को मिक्स्ड पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए थे, और यहाँ पर ये जो कि ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को मिक्स वगैरह रिव्यूज़ ही मिले हैं, जिसकी वजह से ये बॉक्सेस पर तो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छे कलेक्शन करने में कामयाब रही, जहाँ पर इस फिल्म ने फर्स्ट डे के अंदर 172 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पर इस फिल्म ने 82 करोड़ का कलेक्शन वगैरह किया हुआ था, जो कि यहाँ पर ओवरसीज से जो
चुके हैं, सारी लैंग्वेज को मिला के, हिंदी वर्जन को भी और वाकई वर्जन को भी मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 92 करोड़ जो कि यहाँ पर ओवरसीज में यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 67 to 60 करोड़ का आसपास ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था फर्स्ट डे के अंदर। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म ने 110 करोड़ के आसपास, 11 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था, जो कि वो भी इंडिया के अंदर सारी लैंग्वेज को मिला के, जैसे साउथ लैंग्वेज थी, हिंदी लैंग्वेज थी, उन सबको मिला के ये सारी लैंग्वेज वगैरह थी जहाँ पर इस फिल्म को जो कि किया हुआ था, जो भी रिस्पॉन्स वगैरह मिला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ था ना, 172 करोड़ का फर्स्ट डे के अंदर ही ओपनिंग ली हुई थी। सेकंड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 60 to 55% का ड्रॉप दिखाया, और यहाँ पर इस फिल्म ने जो कि सेकेंड डे के अंदर लगभग जो कि 82 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। और उस तरह से ये फिल्म लगभग 250 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड डे के अंदर इस फिल्म ने लगभग जो कि 306 करोड़ के आसपास, 304 करोड़ के पास का इस फिल्म का कलेक्शन हो चुका था, जो कि फर्स्ट वीकेंड इस फिल्म का जा चुका था, जहां पे इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर 304 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया। उस तरह से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स पर एक अच्छी और सक्सेसफुल फिल्म बन चुकी है, क्योंकि अपना बजट वगैरह भी रिकवर कर चुकी है। तो यहां पर देखा जाए अब ये भी जितना भी आगे जाएगी तो ये फिल्म अपना कलेक्शन कर पाएगी और यह जो कि अपने प्रॉफिट में जाएगी। बट यहां पर इस फिल्म को ज्यादा आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि ये ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म अब बजट तो रिकवर कर चुकी है, लेकिन इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज मिले हुए थे, जो कि इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले थे, जहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा जो कि नुकसान मिला। मंडे के दिन इस फिल्म को काफी गिरावट हुई इस फिल्म की, जहां पे ये फिल्म काफी डाउन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के बारे में, तो यहाँ पर बता दूँ जो कि इस फिल्म को जो कि रिलीज़ करवाया जा चुका है, जहाँ पर यह फिल्म अच्छी रिस्पांस मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बताएं इस फिल्म की कास्ट वगैरह की, तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में जो शोर आ रहा है उसके लिए माजरत, आपने शोर को इग्नोर करना है। बट यहाँ पर यह बता दूँ जो कि यहाँ पर NTR रामा राव इस फिल्म के अंदर डुअर रोल प्ले करें, जहाँ पर एक देवरा एक का नाम होता है, दूसरे का नाम वर्धा होता है, और यहाँ पर सैफ अली खान भैरा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जाह्नवी कपूर हैं जो थंगम का रोल प्ले करते दिखाई दिया, श्रुति मराठे है देवरा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, जरीना जो कि वहाब है जो देवरा की मादर का रोल प्ले करी है, तलूरी जो कि रमेश वारी है जो गुल्लू का रोल प्ले किया, प्रकाश राज हैं जो सिंगापा का रोल प्ले किया, श्रीकांत हैं जो रयाप्पा का रोल प्ले करते हैं वो दिखाई दिए, शाइन टोम चोंको हैं जो कोरा का रोल प्ले करें, नारायण हैं जो इरफान का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कल्लाई यारसन है जो यहाँ पर कुंजरा का रोल प्ले किया हुआ है, जो कोरा के ब्रादर हैं, मुराली शर्मा इस फिल्म के अंदर मुरुगा का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अजय सिंह टास्क फोर्स के चीफ शिवम का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सुधीर नैयर हैं, उसके बाद यहाँ पर तारक पुन्नप्पा जो कि पुन्नप्पा हैं जो परसु पासुरु का रोल प्ले किया, चैत्रा राज है जो इस फिल्म के अंदर भैरवा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर शानूर साना है जो कुंजरा की वाइफ का रोल प्ले किया, अभिमन्यु सिंह हैं जो DSP तुलसाई का रोल प्ले किया, गेटअप श्रीनू हैं जो कि मिथा श्रीनू का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हरी तेजा हैं जो यहाँ पर थंगम के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर हैं हिमा जावली का रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रोहन करुण कानुमा जो रेड्डी है ना, यहाँ पर वराज की फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ, निहाल कुर जो कि कुदकट्टी जो भैरा की गैंग मेंबर का रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पर जो कि नरेश जो कि यहाँ पर नरेश राज इस फिल्म के अंदर नरसिम्हा जो के हैं जो यहाँ पर भैरा के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया हुआ, प्रिंसी जॉर्ज इस फिल्म के अंदर पद्मा का रोल प्ले करते दिखाई दिए, सोनाक्षी वर्मा इस फिल्म के अंदर जो कि प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले किया, लता विश्वास रेड्डी इस फिल्म के अंदर चंद्रकला का रोल प्ले किया हुआ है। तो ओवरऑल ये सारी कास्ट है जो यहाँ पर जो कास्ट डायरेक्टर वगैरह ने इस फिल्म के अंदर उनको कास्ट वगैरह किया हुआ था, तो ये सारी कास्ट थी जो इस फिल्म के अंदर सपोर्टिंग रोल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले तो डिटेल वगैरह बताई हुई थी, बट यहाँ पर आप बता दूँ इस फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो यहाँ पर इस फिल्म की जो डील वगैरह हो चुकी है वो लगभग जो कि 7 हफ्तों की डील वगैरह हुई थी OTT प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं अगर इस फिल्म को रिस्पॉन्स अच्छा तो नहीं मिलने वाला, अगर ये फिल्म आगे ज़्यादा जो कि लॉन्ग टर्म पर थिएटर्स के अंदर नहीं चलेगी तो ये फिल्म आउट हो जाएगी, जो कि इस फिल्म को जो कि लगभग 4 to 5 weeks के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ करवा दिया जाएगा, जहां पे नेटफ्लिक्स 155 करोड़ के राइट्स इस फिल्म के ख़रीदे हुए थे जहां पे इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए। तो यहां पर देखते हैं वो इस फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए कुछ और रकम देगा अगर इस फिल्म को जल्द रिलीज़ करेंगे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो देखते हैं इस फिल्म को कब रिलीज़ करवाया जाता है, जैसे अपडेट्स आएंगी वो इसी चैनल पर मिलेंगी। अगर आप दोस्त इस फिल्म को अभी देखना चाहते हो तो इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। अगर आप दोस्त थिएटर में नहीं देखना चाहते तो OTT पर देखना चाहते हो, तो जैसे OTT प्लेटफॉर्म से रिलीज डेट के बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले इस चैनल पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें।